अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय मुमताज़ आपा कुकिंग। आज हम आपके खिदमत में निहारी का रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आप लोग के साथ निहारी का रेसिपी शेयर करूंगी। निहारी के रेसिपी के लिए मैंने एक गोश्त लिया है और गोश्त मैंने बड़ा बड़ा टुकड़ा रखा है। तो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं निहारी खाने के लिए, इसका बड़ा बड़ा टुकड़ा ही होता है। और इसके साथ मैंने हड्डी भी लिया है। अभी इसका मैं मसाला रेडी करूँगी, वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अभी निहारी का मैं मसाला बना रही हूँ, उसके लिए मैंने तीन बड़ी इलायची लिया है, दो तीन टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, एक बादियान का टुकड़ा है, लेकिन बादियान का टुकड़ा मैं इतना पूरा नहीं डालूँगी। और दो तीन मैंने लौंग लिया है, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और ये पिपलिका है, पिपलिका स्टिक है। ये नहीं होने से निहारी नहीं बनेगा, असल टेस्ट इसका ही बनता है, इसका ही आता है। और जायफल जायत्री का मैंने लिया है, और ये मैंने सोल्ट लिया है, ड्राई जिंजर, और इसको मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लूँगी, इसका भी फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना लूँगी। अभी इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाह, और इसके साथ में मैं ये ऐड करूँगी, होल धनिया लिया मैंने 1 टेबल स्पून पूरा भर के, सौंफ लिया 1 टेबल स्पून, और 2 टीस्पून मैंने होल ज़ीरा लिया, ये भी इसी के साथ मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, थोड़ा इसके अंदर से खुशबू आ जाए बाहर, बस वहाँ तक मैं इसको थोड़ा रोस्ट करके बाद में इसको मेरे ग्राइंड कर लूँगी। इसका मैं पाउडर बना लूँगी, और अब इसको रोस्ट करेंगे। कच्चा अब मसाला डालेंगे, इतना खुशबू नहीं आता, इतना टेस्ट भी नहीं होता है। थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। चलिए, ये तकरीबन हो गया है, मैं अभी इसको पीस लेती हूँ। अभी तीन इलायची भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ, इसको भी थोड़ा भून लेती हूँ। भूनने के बाद जो दूसरा मसाला मैंने रोस्ट करके रखा था, इसके साथ ही मैं पीस लूँगी, और ज़्यादा मैं रोस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा हल्का कर लूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अभी इसके अंदर मैंने एक पतीली रख दिया है, अभी इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही चाहिए, और इसके अंदर मैं खाली ऑयल से नहीं पकाऊँगी, थोड़ा घी भी ऐड करूँगी, देसी घी 1 टेबल स्पून भर के मैंने देसी घी डाल दिया, बाद में मैं यूज़ करूँगी घी। अभी घी गर्म हो गया है, अभी इसके अंदर मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। पहले मैं 2 तेज़पत्ता इसके अंदर डाल दिया, बिस्मिल्लाह। अभी एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया, अभी थोड़ा इसको हल्का ब्राउन इसको कर लूँगी प्याज को। प्याज हो गया है, मैं ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, तो ज़्यादा लाल करने से कड़वा भी होगा निहारी, और इसका कलर भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने लाइट ब्राउन ही किया है। अभी इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, और इसके बाद में 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। अभी इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, भूनने के बाद मैं इसके अंदर में गोश्त ऐड कर दूँगी। अभी इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्ला। अभी इसको थोड़ा मैं भून लूँगी, बाद में दूसरा मसाला मैं आस्ते आस्ते करके ऐड करूँगी। गोश्त मैंने थोड़ा भून लिया है, अभी इसके अंदर मैं थोड़ा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, हाफ कप जितना। इसके बाद मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल के दोबारा मैं इसको भून लूँगी। मैंने अच्छी तरह से गोश्त को थोड़ा भून लिया है, अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। टोटल मैं पानी 3 लीटर ऐड करूँगी, अभी और भी पानी मैं ऐड करूँगी, और भी ऐड करूँगी पानी। अभी मैंने इसका 3 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अभी जो मैंने मसाला पीस के रखा था
उसके अंदर से मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी इसका। अभी जल्दी जल्दी करके मिला देती हूँ, नहीं लम्स पड़ जाएगा, गट्ठा बन जाएगा ये। अभी इसको बॉयल आ जाए तो इसके बाद मैं इसको स्लो पे 2 घंटा तक पकाऊँगी, थोड़ा से बॉयल आ जाए। अभी चूल्हा मैंने एकदम फुल कर दिया है, अभी थोड़ा सा बॉयल आ जाए। मैं अभी इसका बॉयल आ गया है, मैं एकदम धीमी आंच पे इसको पका लूँगी। अभी पूरा कवर करके मैं इसको पका लूँगी एकदम स्लो आंच पे। अभी तकरीबन 2 घंटा हो गया है, मैंने बीच बीच में भी चेक करके गई थी। अभी माशाल्लाह मेरा गोश्त भी गल गया है। अभी मैं दूसरा स्टेप शुरू करती हूँ। बीप का गोश्त है इसलिए एकदम टाइम लगा, नहीं तो कुकर में भी करती बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता जितना इसमें टेस्ट आएगा। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप शुरू कर देती हूँ और इसको भी थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अभी एक फ्राई पैन रखा है उसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा देसी घी भी यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून जितना, केनिहारी में घी और ऑयल ज़्यादा ही चाहिए, मैंने डाल दिया है। अभी इसके अंदर मैं बस ये गर्म हो गया है, मैं अभी 2 टेबल स्पून भर के आटा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद मैं खाली आटा से भी बनता है, बन सकता है, लेकिन मैं बेसन भी डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। और एक 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून मैंने आटा डाल दिया। अभी इसको मैं एकदम भून लूँगी अच्छी तरह से। कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन कच्चा में इतना टेस्ट नहीं होता है जितना इतने इसमें टेस्ट और खुशबू आएगा। इसको एकदम थोड़ा से भून लूँगी, जब तक खुशबू नहीं आए तब तक मैं इसको भून लूँगी। और मैंने जो पानी डाला था गोश्त में, गोश्त गलने के लिए मैंने गर्म पानी डाला था, नहीं तो कभी भी गोश्त में कच्चा पानी नहीं डाले तो गोश्त इतना जल्दी गलेगा नहीं। माशाल्लाह मेरा गोश्त बहुत जल्दी गल गया था, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पीस था और बीफ का था तो इतना जल्दी गलना नहीं चाहिए, लेकिन गल गया है। बस ये थोड़ा सा भून जाए, खुशबू आ जाए, बाद में इसको मैं बंद कर दूँगी। ये मेरा भून गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अभी इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी, बाद में मैं निहारी का सब मिलाऊँगी। निहारी भी मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, कि वो एकदम से गर्म में डालूँगी तो ये थोड़ा लम्स बन जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये आटा डालने से पहले मैं थोड़ा जो इसके ऊपर जो ऑयल है मैं ले लेती हूँ, कि वो आटा डालने से ये जो तरी है वो दिखेगा नहीं, ऑयल पूरा दब जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा ऑयल ले लेती हूँ। थोड़ा मैंने ऑयल ले लिया, निकाल दिया, कि आटा डालने के बाद ये ऑयल दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ले लिया है। और इसके बाद मैं थोड़ा से इसके अंदर से रस भी ले लूँगी, कि इसके अंदर जो आटा मैंने भुना है वो इसके अंदर मिला के बाद में मैं निहारी के अंदर डाल दूँगी। मैंने जो आटा बेसन जो मैंने भुना था, अभी मैंने इसका जो सूप लिया है निहारी का, मैं इसके अंदर अभी मैं ऐड करके मिला के निहारी के अंदर डाल दूँगी, तो इसके अंदर तो लम्स नहीं बढ़ेगा। मैं इसको अभी मिला लेती हूँ। अभी आटा जो मैंने मिलाया है वो अभी निहारी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, करके जल्दी मिला रही हूँ। चूल्हा मेरा बंद है, ठंडा में सही रहता है, ये गर्म होता तो जम जाता है। आप भी इसी तरह करें तो कोई लम्स भी नहीं बनेगा, गट्ठा भी नहीं बनेगा। बस अभी मिला दिया, अभी चूल्हा मैं ऑन कर दूंगी। इसके बाद अभी नमक भी मैं टेस्ट कर लूँगी, और अभी जो तेज़पत्ता है उसका कुछ काम नहीं है, अभी इसको मैं निकाल देती हूँ। इसके बाद जो मेरे पास जो मसाला था वो मैं ऐड कर रही हूँ। पहले 2 टेबल स्पून भर के डाला था, अभी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, मैं इसका साथ ऐड कर दिया अभी इसके अंदर, क्योंकि ये ठंडा है इसलिए मैंने पानी में नहीं मिलाया, ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया है। और गर्म होता तो मुझे पानी में मिलाना पड़ता। अभी मैंने आटा
डाल दिया बेसन और आटा भून के। अभी इसको मैं स्लो पे दोबारा पकाऊंगी। देखिए आप, मैंने आटा डालने के बाद ऑयल एकदम ख़त्म हो गया है। अभी इसको 20 मिनट पे दोबारा मैं धीमी आंच पे रखूंगी, 20 मिनट तक पकाऊंगी दम पे, स्लो आंच पे एकदम। 10 मिनट के लिए अभी मैंने पका लिया इसको। अभी इसको थोड़ी देर मैं दम पे रख देती हूँ और इसका मैं सॉल्ट भी टेस्ट कर लेती हूँ। सॉल्ट चाहिए तो मैं डाल देती हूँ, नहीं सॉल्ट भी ठीक है। अभी इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ चूल्हा बंद करके। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दिया था। देखिए माशाल्लाह मेरा निहारी रेडी है। मैं अभी डिश आउट करके आप लोग को बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह, अभी जो मैंने ऑयल रख दिया था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट में ऐसे ही करते, जो पहले निहारी बना लेते ऑयल अलग से निकल के रख देते, बाद में इसी तरह ऑयल ऊपर से डाल देते। मेरा डिश रेडी है। आदरणीय, ये देखिए हमारा बीफ निहारी बिल्कुल तैयार है। इसी रेसिपी को फॉलो करके अपने घरों में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगेबान। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा गल गया है मेरा, मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। देखे बहुत अच्छा गल गया है ये माशाल्लाह। इसी तरह होता है निहारी। मेरा ये रेसिपी फॉलो करके बनाए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा।